ही गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का गेमिंग टेक बार एक बार फिर से। तो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं 20,000 रुपीस का गेमिंग पीसी, और इस पीसी में आप लोग आराम से 40 FPS तक खेल सकते हो 720p में मीडियम सेटिंग्स में। और ये जो पीसी होने वाले में फ्यूचर प्रूफ भी होने वाले हैं, और इसमें आप अपग्रेड भी कर सकते हो फ्यूचर में, और जो है अपने गेम्स को अल्ट्रा सेटिंग्स पे आराम से 60 FPS के ऊपर चला सकते हो। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, चलो। तो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो कोई भी चैनल पर नए हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो क्या कर रहे हैं यार, जाके चैनल पर सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी दबा लेना, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो गाइस, एक बजट बिल्ड होने वाला है, तो इसमें हम लोग CPU और GPU का कॉम्बिनेशन यूज नहीं करने वाले हैं, और इस बिल्ड में हम यूज करने वाले हैं APU, क्योंकि CPU और GPU जो है ओवर बजट हो जाएगा। और APU में हम यूज करने वाले AMD की तरफ से आने वाला Ryzen 3 3200G, जो कि Vega 8 ग्राफिक्स के साथ आता है। और ये जो APU है आपकी GTA 5 को आराम से चला देगा 720p में 40-50 FPS में। और इसमें जो है 4 कोर वाला प्रोसेसर है, और 6 GB कैशे मेमोरी है, जो कि i3 से डबल है, और 4 GHz तक का जो है फ्रीक्वेंसी है इसका, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो ये जो APU है आप लोगों को 9000 में मिल जाएगा, और काफी अच्छा APU है। इसमें आप लोगों को एक स्टॉक कूलर भी देखने को मिलेगा। तो गाइस, अगर आप इसको अपग्रेड करना चाहते हो जैसे कि 1650 सुपर से, तो आप अपने GTA 5 और या फिर कोई भी गेम्स को आराम से 60 FPS के ऊपर चला सकते हो, और वो भी अल्ट्रा सेटिंग्स में। तो ये APU जो है फ्यूचर प्रूफ भी बन सकता है। तो ये है हमारा APU। सो गाइस, APU के बाद आता है हमारा मदरबोर्ड, और इस बिल्ड में मैं यूज कर रहा हूँ गैलेक्सी की तरफ से आने वाला A320 मदरबोर्ड, जो कि AM4 सॉकेट के साथ आता है, और हमारा जो APU भी है वो भी AM4 ही है। तो इसमें जो है DDR4 बूस्ट देखने को मिलेगा, और ये जो मदरबोर्ड है DDR4 रैम्स को सपोर्ट करता है, और इसमें जो है आप लोगों को M.2 SSD लगाने की स्लॉट भी देखने को मिलेगी, और USB 3.1 भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, और इसमें जो है SATA 3 6 GBPS तक का स्पीड आप लोगों को देखने को मिलेगा। और ये जो है मतलब ये जो मदरबोर्ड है आप लोगों को 4000 में मिल जाएगा, जो कि काफी कम है A320 मदरबोर्ड के लिए, जो कि एंट्री लेवल का A320 मदरबोर्ड है। सो गाइस, मदरबोर्ड के बाद आते हैं हमारी रैम। तो गाइस, इस बिल्ड में मैं यूज कर रहा हूँ DDR4 की रैम, जो कि मैंने बताया था, और 8 GB की सिंगल स्टिक वाली रैम है, और 3000 MHz पर क्लॉक्ड है, जो कि काफी अच्छी स्पीड है। और ये जो रैम आता है XBG की तरफ से, और ये रैम आप लोगों को देखने को मिलेगा 2500 या फिर 2600 में। अगर आप कोर्सर की तरफ जाते हो तो इसका प्राइस जो है 3200 तक में हो जाएगा, तो ये काफी कम प्राइस है, तो हमारी बजट बिल्ड के लिए परफेक्ट है। सो गाइस, जैसे कि आप जानते हो ये एक बजट बिल्ड होने वाला है, तो इसमें हम SSD यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो जो है ओवर बजट हो जाएगा। मगर इसमें हम लोग यूज करने वाले हैं Seagate की तरफ से आने वाला 1 TB वाला स्टोरेज, जो कि काफी सिंपल सा स्टोरेज है, और 1 TB तक का स्पेस आप लोगों को देखने को मिलेगा। और ये जो स्टोरेज है आप लोगों को आराम से 3500 में मिल जाएगा, जो कि काफी रीजनेबल प्राइस है। सो गाइस, स्टोरेज के बाद आते हैं हमारी पावर सप्लाई की तरफ, और इस बिल्ड में मैं यूज कर रहा हूँ एंटेक की तरफ से आने वाला 450 वाट वाला पावर सप्लाई, जो कि गेमिंग पावर सप्लाई भी है और काफी अच्छी भी है। और ये जो पावर सप्लाई है आप लोगों को 2000 रुपीज में मिल जाएगा, और इसी पावर सप्लाई को यूज करते हुए आप लोग जो है 1650 सुपर या फिर 1660 सुपर तक की ग्राफिक्स कार्ड को इस बिल में डाल सकते हो फ्यूचर में अपग्रेड करना चाहते हो। तो काफी अच्छी पावर सप्लाई है, और अपग्रेड के लिए काफी अच्छी भी है, तो इस बिल में हम इसी को यूज करने वाले हैं। सो गाइस, हमारा लास्ट कंपोनेंट बचता है, वो है कैबिनेट, और इस बिल्ड में मैं एक काफी सिंपल सा गेमिंग कैबिनेट यूज करने वाला हूँ, और इस बिल्ड में मैं यूज करने वाला हूँ ज़ेब्रोनिक्स की तरफ से आने वाला जेब मार्स, और ये गेमिंग कैबिनेट है, और इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा एक 120mm वाला फैन, जो कि फ्रंट में लगा हुआ होता है, और इसमें जो है आप लोगों को पर्पल LED भी देखने को मिलेगी इस फैन पे, और मैग्नेटिक डस्ट फिल्टर भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, और इसमें जो है आप लोगों को एक रीसेट बटन देखने को मिलेगी, और 2 USB पोर्ट्स देखने को मिलेगी, और एक USB 3.0 पोर्ट भी देखने को मिलेगी, और एक हेडफोन जैक भी देखने को मिलेगा, और माइक जैक भी देखने को मिलेगा, और एक पावर बटन भी देखने को मिलेगी, जो कि काफ़ी है।
और इसमें जो है आप अपग्रेड करना चाहते हो तो अपग्रेड भी कर सकते हो, 4 फैंस और लगा सकते हो इसमें। और इस कैबिनेट का जो प्राइस है वो है 2000 रुपीज़, और 2000 रुपीज़ के लिए इतना अच्छा कैबिनेट जो है काफ़ी अच्छी है। और ये जो कैबिनेट है इंडियन में, मतलब इंडियन ब्रांड है, जेब्रोनिक्स एक इंडियन ब्रांड है, तो काफ़ी अच्छी कैबिनेट है। सो गाइस इस बिल में हमारा टोटल कॉस्ट बनता है 23,000 के अराउंड। तो गाइस अगर आपका जो बजट है 20,000 से ऊपर नहीं जा सकते हैं तो आप एक काम कर सकते हो कि आप लोकल मार्केट में जाकर पूछ सकते हो कि कौन कौन सी पार्ट्स जो है ऑनलाइन से कम मिल रहे हैं, या फिर आप सेकेंड हैंड पार्ट्स को भी यूज़ कर सकते हो। इससे जो है आपका जो बजट है वो काफ़ी कम हो जाएगा, या फिर कॉस्ट जो कि है काफ़ी कम हो जाएगा, 20,000 के अराउंड ही रीच हो जाएगा, तो आपका जो पीसी है 20,000 में बन जाएगा। सो गाइस अगर आपका बजट जो है 25,000 है या फिर 50,000 है तो उसके बारे में भी मैंने जो है वीडियो बनाया है कि 25,000 का गेमिंग पीसी और 50,000 का गेमिंग पीसी, तो जाकर चेकआउट कर लेना, मैं आई कार्ड में जो है डाल दूंगा उसको। और दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को भी दबा लेना। तो मैं मिलता हूँ ऐसे ही एक और एक्साइटिंग वीडियो में। टिल देयर टेक केयर एंड गुड बाय।